आप इस वीडियो को YouTube पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। 111 वाला 111 के प्लांट्स है ये टोटल, और आप देख सकते हो टोटल। वेलकम बैक गाइज माय YouTube चैनल, आपका मेरे YouTube चैनल सोनू 0017 में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज का ब्लॉग हम नर्सरी पे शूट करेंगे और अपनी नर्सरी की अपडेट देंगे, क्योंकि हमारी नर्सरी सेल करने के लिए रेडी हो चुकी है और हम इस बार लोगों को डिस्काउंट पे प्लांट्स देंगे। अपने जो भी प्लांट है हमारे पास डिस्काउंट रेट पे, कम रेट पे देंगे, क्योंकि इस बार इस मॉनसून में लोगों का बहुत नुकसान हुआ है ऑर्चर्ड का, और क्रॉप भी कम लगी थी, इस वजह से हम इस बार प्लांट में डिस्काउंट देंगे। और आज अपनी नर्सरी की पूरी अपडेट आपको हम इस ब्लॉग में आज देंगे। किसी को भी नर्सरी की ज़रूरत हो तो कॉन्टैक्ट करें, स्क्रीन पर हम नंबर दे देंगे। Hey guys, welcome back to the channel. Guys, मैं हूँ आज अपनी नर्सरी पे, तो मैं आपको आज बताऊँगा मेरे पास, और ये हाइट देख सकते हो आप नर्सरी की, मेरी हाइट 6 फीट है लगभग, ये 9 फीट 8 फीट की नर्सरी है। ये है फैदर प्लांट रूट स्टॉक पे 111 पे ये फैदर प्लांट है, सिंगल ईयर ग्राफ्ट है, फैदर रूट स्टॉक पे है, कोई फैदर है कोई विदाउट फैदर है, और हाइट बहुत अच्छी ग्रोथ पे गए है आप देख सकते हो। तो मैं आज अपनी नर्सरी में आया हूँ, मैं आपको अपडेट देना चाहता हूँ अपनी नर्सरी के बारे में। ये देखो आप नीचे से रूट स्टॉक देख सकते हो आप कितना स्ट्रॉन्ग है, और फैदर भी है, और एक ईयर एक साल की ग्राफ्टिंग है, ये देख सकते हो आप, ये देख सकते हो आप प्लांट 809 फीट की हाइट पे ये है। अभी इस टाइम मैं हूँ 111 के ब्लॉक पे, जो 111 का नर्सरी का ये ब्लॉक है, तो जिसमें वैरायटीज़ मेरे पास किंग रॉट रेड ब्लॉक्स डार्क वेरन गाला 111 पे, फैदर भी मिल जाएगी आपको, और सिंगल लीटर प्लांट भी एक साल के अवेलेबल है मेरे पास। तो गाइस फैदर प्लांट जो मेरे पास अवेलेबल है वो लिमिटेड है, और जो मेरे पास ये फैदर है ये बहुत ही लिमिटेड फैदर है। M9 पे मेरे पास प्लांट्स है जो, जिसमें फैदर भी होगे, सिंगल लीडर प्लांट भी होगे एक साल की ग्राफ्टिंग वाले, तो उसमें मेरे पास प्लांट है M9 पर किंग रॉट डार्क बैरन गाला रेड ब्लॉक। इस तरह फैदर प्लांट अच्छे डेवलप हुए, क्योंकि ये रूट स्टॉक 2 साल का था और इस पे ग्राफ्ट इस साल हुए, सेम ईयर ग्राफ्ट हुआ इस साल, और जो ये आप रूट स्टॉक देख रहे हो ये 2 साल का रूट स्टॉक है, और आप फैदर भी नेचुरली फैदर बिल्ड हुए हैं इस पे, और ये नर्सरी इस साल सेल आउट के लिए तैयार है। जिस भी किसी को आपको रूट स्टॉक पे सिडलिंग का ब्लॉग भी मैं आपको दिखाऊंगा, सिडलिंग पे रूट स्टॉक पे जिसको भी प्लांट की ज़रूरत हो कांटेक्ट करें। और प्लांट की कंडीशन इस तरह से है, जेन्युइन रेट पे प्राइस देंगे हम गाइस, ऐसा कोई नहीं है कि हम आपको इस साल हिमाचल प्रदेश में हमारे डिस्ट्रिक्ट शिमला में क्रॉप बिल्कुल कम थी, तो उसको उसके मद्देनज़र देखते हुए कईयों का नुकसान भी हुआ है, तो उसको देखते हुए हम अपने प्लांट्स का प्राइस हर साल से इस साल लो रखेंगे। ये देख सकते हो आप कितने अच्छे फैदर डेवलप हुए, ये देख सकते हो, और ये 111 का टोटल ब्लॉक है, 111 का ये पूरा ब्लॉक है। तो 111 के ब्लॉक में मैं आपको पूरा ले चलता हूँ, ये देख सकते हो आप प्लांट की हाइट 8 से 9 फिट 7-8 जिस तरह की रिक्वायरमेंट हो आपको, तो ये देख सकते हो आप प्लांट 111 पे फैदर प्लांट और सिंगल लीडर एक साल के ग्राफ्टेड प्लांट मिल जाएंगे मेरे पास। तो आपको जिस किसी को भी ज़रूरत हो तो कांटेक्ट करें। इस तरह के फैदर प्लांट, ये टोटल ब्लॉक है 111 वाला, 111 के प्लांट्स है ये टोटल, स्क्रीन पर दे दूंगा। और आप इस वीडियो को YouTube पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें, शेयर करें अपने जिसको प्लांट की ज़रूरत हो उन लोगों तक शेयर करें।
और ये हमारा सीडलिंग का रूट स्टॉक 111 का ब्लॉक है। और आप देख सकते हो प्लांट की कंडीशन देख सकते हो आप गाइस। फैदर भी है हमारे पास और सिंगल पे भी है। ये बहुत बड़ा ब्लॉक है 111 का। और ये गाइस देख सकते हो आप रूट स्टॉक का साइज सिंगल डबल गाला वैरायटी और डार्क वेरन गाला 111 पे। ये प्लांट की पूरी कंडीशन है। मैंने इसका डिस्टेंस 1 फीट का दिया था प्लांट टू प्लांट, ये देख सकते हो आप। इसीलिए अच्छी ग्रोथ और अच्छी रूट्स डेवलप हुए हैं इसमें। तो किसी को भी ज़रूरत हो तो 111 पे ये प्लांट्स है हमारे फैदर, और वो 1 ईयर ग्राफ्टेड भी मिल जाएगी और फैदर भी मिल जाएगी आपको। और जो भी हमारा ये रूट स्टॉक है ये सारा इंपोर्टेड है, गरीबा से इंपोर्ट कराया था ये हमने रूट स्टॉक 111। और इस पे जो भी ग्राफ्टिंग हुई है वो अपने ऑर्चर्ड से हुई है, क्योंकि मेरे पास M9 का ऑर्चर्ड है। आप मेरे YouTube चैनल पे वीडियोस देख सकते हो। तो मैंने अपने ऑर्चर्ड से ही सारे इसके जो कलमे लिए है, और कोई आपको इस पे वैरायटी का इशू नहीं आएगा कि वैरायटी कल को दूसरी निकले, इसमें वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है। लिमिटेड प्लांट है मेरे पास 100 रूट स्टॉक पे। तो आप अगर रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे कॉल करें। फैदर नेचुरल तरीके से डेवलप हुए इसमें, उतनी हमने ज़्यादा जितना नेचुरली फैदर आया हमने कोई इस पर नोचिंग भी नहीं की थी, और नेचुरली PGR किया था 1-2 बार। और ये देख सकते हो आप कंडीशन, लगभग दो तीन चार फैदर हर प्लांट में आए हैं। और प्लांट की कंडीशन देख सकते हो आप, बहुत अच्छी है गाइस। ये भी 111 का ब्लॉग है, आप प्लांट की ग्रोथ देख सकते हो, 8 से 9 फीट तक है। और ये 111 की सिंगल ईयर ग्राफ्ट है, सिंगल ईयर ग्राफ्टिंग है ये 111 पर। ये ब्लॉक टोटल 111 का है। इसमें आपको प्लांट की ग्रोथ देख सकते हो आप, डिलीशियस वैरायटी में 111 का ब्लॉक लगाया है गाइस। तो आपको 111 में फैदर भी मिल जाएगी और सिंगल ईयर क्राफ्टिंग भी, ग्राफ्टेड प्लांट भी मिल जाएगी। सिंगल ईयर ग्राफ्टेड प्लांट भी 111 पर मिल जाएगी। सीडलिंग के प्लांट्स है ये टोटल, ये सीडलिंग पे प्लांट मिल जाएगा हमारे पास, किंग रॉडराइड ब्लॉक्स, डार्क बेरन गाला, डेविल गाला। और ये प्लांट अप्रॉक्सीमेटली 6 से 7-8 फुट के है, अभी और ग्रोथ पे जाएगा ये। और ये कंडीशन है इस टाइम सीडलिंग के प्लांट की, आप देख सकते हो बहुत अच्छी ग्रोथ पे है चले हुए ये प्लांट्स है सीडलिंग पे, देख सकते हो आप प्लांट की कंडीशन।